तो शुरू करें तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालकॉम के बारे में। क्वालकॉम ने कुछ ही टाइम पहले एक न्यू चिपसेट को लॉन्च किया है और इस चिपसेट का नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860। ये जो चिपसेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको एक चिपसेट मिलता है और आज के इस वीडियो में हम इसी चिपसेट की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे ये चिपसेट कौन सी चिपसेट से ज़्यादा अच्छा मिलता है और कौन सी चिपसेट से थोड़ा सा कमज़ोर मिलता है। तो देखा जाए ओवरऑल इस चिपसेट की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही बात करें कौन से स्मार्टफोन के अंदर सबसे पहले आएगा। तो आप अगर इस बारे में कुछ जानना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो की लाइक टारगेट को रख लेते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50। आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले इस चिपसेट की एनएम की टेक्नोलॉजी यानी कि फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये चिप आपको 7 NM की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मिलता है। तो देखा जाए इसका टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि ये जो चिप्स है ये आपको अंडर 25,000 जो फोन आएगा उसके अंदर आपको ज्यादातर मिलेगा। तो उसके अंदर अगर 7 NM की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको पावर एफिशिएंट होगा। तो देखा जाए अच्छा आपको देखने को मिलता है। बात करें CPU एंड CPU क्लॉक स्पीड के बारे में, इसके अंदर आपको टोटल 8 कोर मिलता है यानी कि ऑक्टा कोर CPU के साथ आता है जिसके अंदर 1 कोर 3 कोर और 4 कोर में डिवाइड किए गए। 1 कोर आपको मिलता है हायर परफॉर्मेंस के लिए और आपको क्लॉक मिलता है कॉर्टेक्स A76 के अंदर क्रायो 485 के साथ जो कि आपको क्लॉक मिलता है 2.96 GHz में। उसके साथ ही और 3 कोर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A76 के साथ क्रायो 485 के साथ जो कि आपको क्लॉक मिलता है 2.42 GHz में। उसके साथ ही और 4 कोर जो कि आपको मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, ये आपको क्लॉक मिलता है कॉर्टेक्स A55 के साथ क्रायो 485 में जो कि आपको क्लॉक मिलता है 1.8 GHz में। तो देखा जाए इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है और क्लॉक स्पीड भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। बात करें इसका GPU के बारे में, इसके अंदर क्वालकॉम एडिनो का 640 का GPU दिए गए जिसके अंदर मेगाहर्ट्ज़ आपको मिलता है 700 का। तो देखा जाए GPU की बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। अब बात करें इसका रैम सपोर्ट के बारे में, इसके अंदर LPDDR4X का रैम की सपोर्ट मिलता है जो कि अप टू 16 GB तक सपोर्ट कर सकता है और इसके अंदर मेगाहर्ट्ज़ आपको मिलता है 2133 का। तो देखा जाए रैम भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। बात करें इसका स्टोरेज टाइप के बारे में, स्टोरेज टाइप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। ई MMC 5.1 मिलता है, UFS 2.1 मिलता है, UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है। तो देखा जाए आपको लेटेस्ट स्टोरेज के टाइप भी आपको देखने को मिलता है। बात कर लें कैमरा सपोर्ट के बारे में, इसके अंदर डुअल कैमरा से सबसे पहले बात कर लें 22+22 को यह सपोर्ट कर सकता है, सिंगल में 192 MP को सपोर्ट कर सकता है। बात कर लें वीडियो के बारे में, इसके अंदर आप 8K 30 FPS तक मैक्स टू मैक्स निकाल सकते हो, 4K 150 FPS के अंदर आप निकाल सकते हो। अब बात करें इसका एक और चीज़ के बारे में यानी कि इसका डाउनलोड अपलोड स्पीड के बारे में, इसके अंदर आपको क्वालकॉम की X25 का मॉडेम यूज़ किया गया और ये चिप आपको 4G के साथ आता है जिसके अंदर मैक्सिमम आपको डाउनलोड स्पीड मिलता है 2 GBPS तक और आपको अपलोड स्पीड मिलता है 326 MBPS तक। बात करें इस चिपसेट की अंतुदु बेंचमार्क स्कोर के बारे में, इसका अंतुदु निकल क्या है 4,24,000 के आसपास और इसकी अगर हम गीगबेंच स्कोर के बारे में बात करूँ सिंगल में निकल के आया है 782 और मल्टी में निकल के आए 2792। तो देखा जाए इसका गीगबेंच स्कोर भी अच्छा निकल के आए और अंतुदु स्कोर भी अच्छा निकल के आए। अब बात करेंगे ये चिपसेट कौन सी चिपसेट से आपको बेटर मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 730G 750G से भी ये आपको बेटर मिलता है। 765 के साथ मैं एक फुल कंपेरिजन लेके आऊँगा तो उस वीडियो के लिए जरूर से स्टे ट्यून करना और भी बहुत ही ज़्यादा चिपसेट के साथ मैं कंपेरिजन लेके आऊँगा इसी चिपसेट का, तो उसके लिए ज़रूर से स्टे ट्यून करना और उस वीडियो में आप देख लेना। दोनों में से डिटेल में कंपेरिजन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा अच्छा मिलता है, तो उस वीडियो के लिए जरूर से स्टे ट्यून करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और जाते जाते जरूर से कमेंट कर देना आप जो चिपसेट को यूज कर रहे हो यानी कि आप जो फोन को यूज कर रहे हो उसके अंदर कौन सा चिपसेट है, तो आप जरूर से नीचे कमेंट करना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।